अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं और अगर आप लोगों ने आज उनकी खतरनाक पारी देखी और आपको अच्छी लगी उनकी पारी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि तीसरा वनडे मुकाबला यानी आज 18 जनवरी को खेला गया मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली की सेना ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया आज और इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से इस सीरीज को भी आज अपने नाम कर लिया। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि टीम इंडिया ने मेलबर्न पर 11 साल बाद एक वनडे मैच जीता है और उसने इस मैदान पर ही आखिरी बार 10 फरवरी 2008 को खेले गए वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इस मैच में भारत की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 48.4 ओवर में 230 रन बनाए और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई 230 रन पर। जवाब में भारत ने 49.2 ओवर में 3 विकेट पर 234 रन बनाए और 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया और धोनी ने इन 5 सालों बाद लगातार 3 मैचों में 8 शतक बनाया है। वे 87 रन पर और केदार जाधव 61 रन पर नाबाद नॉट आउट बने रहे थे। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के विकेट कैसे गिरे उस चीज के बारे में। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट था वो कुछ इस प्रकार से गिरा। जब टीम ने 8 का स्कोर बना रखा था तभी कैरी आउट हो गए। कैरी को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। उन्होंने विराट कोहली के हाथों में कैरी का कैच थमवाया। कैरी ने 11 गेंदों की पारी में मात्र 1 चौके की मदद से 5 रन बनाए थे। दोस्तों बात करें दूसरे विकेट की, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का खराब फॉर्म मेलबर्न में भी जारी रहा। सिडनी में 6 और एडिलेड में 6 रन बनाने के बाद भी वो इस मैच में भी फ्लॉप साबित रहे। उन्हें भुवनेश्वर ने LBW आउट कर दिया। एरन फिंच ने इस मैच में 24 गेंदों में 14 रन बनाए। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे विकेट की। 24वें ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन का था तब शॉन मार्श पवेलियन लौट गए। युजवेंद्र चहल की गेंद पर धोनी ने उन्हें स्टंप किया। मार्श ने पहले वनडे मैच में अर्धशतक और दूसरे में शतक लगाया था लेकिन इस मैच में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने 54 गेंदों में 39 रन बनाए। दोस्तों बात करें चौथे विकेट की, चहल ने अपने अगले ही ओवर में ख्वाबजा को आउट कर दिया। चहल की गेंद लेग स्टंप की तरफ से जा रही थी लेकिन ख्वाबजा उस गेंद को सही से नहीं खेल पाए। गेंद उनके बल्ले को लगकर हवा में चली गई जिसे चहल ने खुद ही कैच ले लिया। ख्वाबजा ने 51 गेंदों में 34 रन बनाए। दोस्तों बात करते हैं पांचवें विकेट की, चहल ने मैच में अपना तीसरा विकेट लेते हुए मार्क्स स्टोइनिस को आउट किया। 30वें ओवर की तीसरी गेंद में स्टोइनिस स्लिप में रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। उन्होंने 20 गेंदों में 10 रन बनाए। दोस्तों बात करें छठे विकेट की, 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया। मैक्सवेल तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होने तक 5 चौकों की मदद से उन्होंने 19 गेंदों पर 26 रन बना लिए थे। मैक्सवेल का कैच भुवनेश्वर कुमार ने लिया। दोस्तों बात करें 7वें विकेट की, दोस्तों चहल ने इस मैच का 4th विकेट लिया। चहल ने इस मैच में अपना 4th विकेट लेते हुए जे रिचर्डसन को पवेलियन वापस भेज दिया। 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिचर्डसन ने केदार जाधव को कैच थमा दिया और उन्होंने 23 गेंदों में 1 चौके की मदद से 16 रन बनाए। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें 8वें विकेट की, चहल ने हैंडस्कॉम को आउट कर दिया और मैच में अपना 5वां विकेट लिया। उन्होंने हैंडस्कॉम को 58 के निजी स्कोर पर LBW आउट करवाया। दोस्तों बात करें 9वें विकेट की, चहल ने मैच में अपना 6th विकेट लेते हुए एडम जाम्पा को पवेलियन भेज दिया। जाम्पा 8 रन बनाकर विजय शंकर को कैच थमा बैठे। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें 10वें विकेट की, तो 10वां विकेट बिली स्टेनले का गिरा। उन्हें मोहम्मद शमी ने बोल्ड किया और उन्होंने 2 गेंदों में मात्र 0 रन बनाए। दोस्तों इस मैच में चहल ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी और वो इतनी खतरनाक गेंदबाजी करके अजीत अगरकर के बराबर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि अपने स्क्रीन के सामने लिस्ट देख पा रहे होंगे, अजीत अगरकर ने 6 विकेट लिए थे 42 रन दिए थे और युजवेंद्र चहल ने भी आज ये कारनामा 2019 में कर दिखाया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दोनों ही ये भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि भारतीय टीम के विकेट कैसे गिरे। दोस्तों जो पहला विकेट गिरा वो कुछ इस प्रकार से गिरा। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें पीटर सिडल ने शॉन मार्श के हाथों कैच आउट करवाया। दोस्तों बात करें दूसरे विकेट की, मार्क्स स्टोइनिस ने भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर धवन का कैच स्टोइनिस ने खुद ही ले लिया। धवन ने 46 गेंदों में 23 रन बनाए। दोस्तों बात करें तीसरे विकेट की, तो दोस्तों 3rd ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता हाथ लगी। जे रिचर्डसन ने कोहली को विकेट कीपर एलेक्स केरी के हाथों कैच आउट करवाया। कोहली ने 62 गेंदों में 46 रन बनाए। हालांकि वो अपना अर्धशतक करने से चूक गए लेकिन फिर भी विराट कोहली ने काफी अच्छी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके भी लगाए। दोस्तों आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस जीत का श्रेय किस खिलाड़ी को देना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को या फिर युजवेंद्र चहल को, क्योंकि आज उन्होंने भी काफी खतरनाक गेंदबाजी करी। तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करिएगा और अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।